नमस्कार दोस्तों, आज के जयपुर डायलॉग में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक बहुत ही खसूसी शख्सियत है, खास मेहमान है, प्रदीप भंडारी। आप सब इनको जानते होंगे क्योंकि ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप इनको देखते हैं और बहुत शौक से इनको देखते हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी जी आजकल एक किस दूसरे मिशन पर निकले हुए हैं, और इनका दूसरा मिशन ये है कि ये विश्लेषण तो करते हैं वैसे चुनाव का, लेकिन इनको ये आभास है कि चुनाव विश्लेषण करने के लिए सामाजिक विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। और इस सामाजिक विश्लेषण को करने के लिए आज कोरोना के बीच में ये निकले हुए हैं और 8 प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं, 6,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार संजय जी, मैं काफी अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ। आपका सिग्नल टूट रहा है क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं। ये बताइए कि आप इस कोरोना की महामारी के बीच में ये चारों तरफ लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का उत्साह कैसा है, उनकी संकल्प शक्ति कैसी है, क्या वो इस महामारी से लड़के जूझ के निकलने के लिए तैयार हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज जमीन पर मैंने देखी है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति में जो धैर्य है वो अनुसरणीय है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप देखिए इतना जो लॉकडाउन किया है, गांव में मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि भाई जो लॉकडाउन था वो नहीं करना चाहिए था। तो बेशक अगर वो मजदूर है जो नोएडा से जाकर सीतापुर जा रहा है क्योंकि उसको अपने गांव वापस जा रहा है, पैदल जा रहा है, या वो व्यक्ति है जिसकी रेड़ी बंद हो गई है, वो उससे भी आप बात करेंगे तो जरूर वो कहता है कि समस्या है, पर भैया अगर लॉकडाउन नहीं करते तो बीमारी और फैल जाती। तो ये मैं जो इच्छा शक्ति और एक समझ और एक समझदारी के जरिए जिस तरीके से जनता ने देश के प्रधानमंत्री और साथ में देश का साथ दिया है, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर वो साथ नहीं देते और अगर जनता को इतनी दिक्कत होती और सपोर्ट नहीं होता तो लोग सड़कों पर आ जाते। आज आप देखिए कि लगभग हर व्यक्ति का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इतने रूप से चालू नहीं हुई है, कई जगह चालू हुई है पर तब भी देश 30 दिन से ज्यादा जो है लोग अपने घर के अंदर बैठकर पालन किया गया। तो मेरे हिसाब से ये वापस से जब भी कठिनाई आती है, हिस्टोरिकली देखा जाता है कि हिंदुस्तान के लोग कठिनाई अवसर में बदल देते हैं, और इस वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो कठिनाई आई है उसके अंदर जो एक कम्युनिटी लिविंग है, स्पेशली गांव के अंदर, जब एक व्यक्ति दूसरे, अगर किसी एक घर का अनाज कम हो जाता है तो जिस किसान का अनाज ज्यादा उपज होती है वो जाके अपने पड़ोसी को दे देता है, गांव का सरपंच जाके ये इंश्योर करता है कि हर गांव के अंदर व्यक्ति के वहां पे साबुन पहुंचे और गांव पे कोई भारी व्यक्ति ना है, गांव के सब लोग जो है जिस किसान के पास ज्यादा सब्जी उपज होती है वो बाकी लोगों में बांट देता है, कोई भी मजदूर जो है गांव के अंदर अगर भूखा रहता है तो किसी का बड़ा खेत होता है तो वो उसमें जाके फसल दे देता है। तो ये हिंदुस्तान की जो लोगों की लिविंग है स्पेशली गांव के अंदर धरातल पे, उसने मुझे लगता है कि कोरोना के इस लड़ाई में देश को संभाला है। और आज ये जो भी देश के अंदर आप कोरोना कंट्रोल देख रहे हैं, 3.5% मोर्टेलिटी रेट देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस वक्त इस लड़ाई में अभी तक काफी बड़े लेवल पे सहयोग दिया है और विश्व को राह दिखाने के लिए दिया है। देखिए एक तरफ अमेरिका के अंदर लोग जो है थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया तो सड़कों पर निकल आए कि हमारे पब्स खोलिए, बार खोलिए, हमको बीचेस में जाना है, और यहाँ पे अगर कोई चीज खुलती है तो बाकी लोग आके बंद करा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस है, और जो हिंदुस्तान है आज उसने विश्व को रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से जीवन व्यापन करना चाहिए कठिनाई के वक्त। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय मूल्य हैं वो अलग तरह के हैं। हमारे हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो जो वेस्ट की जो बाइनरी संस्कृति है वो नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक समावेशी संस्कृति है और उसका हमें हमेशा लाभ मिलता है जब भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है या क्राइसिस होती है। लेकिन आपने कुछ गांवों और शहरों की एटीट्यूड्स में कोई फर्क देखा क्या? आप गांवों में भी गए हैं, आप शहरों में भी गए हैं। काफी काफी संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव और शहरों के एटीट्यूड में काफी फर्क देखने को मिला कि जो गांव है उसके अंदर हर व्यक्ति एक एक समान, आप मान लीजिए एक परिवार के रूप में जी रहा है, तो अगर गांव के अंदर मान लीजिए 1,000 घर है तो उस 1,000 घर की जिम्मेदारी सरपंच ने ली है, और उस सरपंच के साथ में जो जिम्मेदारी है
वो बाकी लोगों ने ली हुई है। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे लग रहा है कि गांव के लोग जो है वो काफी आसानी से लॉकडाउन के अंदर दूसरे का सहयोग कर निकले हैं, और वहीं अगर आप शहर में देखेंगे तो शहर में मुझे वो आत्मीय सहयोग और एक सोसाइटी और कम्युनिटी लिविंग देखने को नहीं मिली है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं गांव में था, रोहत करके जो हरियाणा में आता है, हरियाणा के उस रोहत गांव में जब मैंने, वहां पे लोग फसल काट रहे थे और गेहूं की फसल खुद काट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इस वक्त अनाज का पैसा तो नहीं मिल पा रहा है, पर जो हमारा खेत का मालिक है उसने मजदूर को गेहूं दे दिया है, जिससे रादर देन गिविंग मनी। और जब उनसे पूछा कि गांव में कैसा चल रहा है, बोल रहे हैं कि भाई हम सब सरपंच का सहयोग कर रहे हैं, गांव में गश्त लगाते हैं, कुछ हर लोगों को 8-8 घंटे की ड्यूटी दे दी जिससे कोई भी भारी व्यक्ति ना निकल पाए। वहीं अगर आप शहरों के गली मोहल्लों में देखेंगे तो हर व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार पे फोकस्ड है कि मैं जो है वो बीमार ना हो जाऊं, भलक बाहर निकल जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है अधिकतर भारत गांव में रहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि गांव के अंदर ये संक्रमण इतने भारी रूप से नहीं फैला है जितने भारी रूप से लोग इसका अनुमान लगा रहे थे। एक बाहर की स्टडी है जो कहती है कि 2 मिलियन तक हो सकता है, और अभी भी मैं आप बताऊं इस वक्त मैं एक खेत, गन्ने के खेत के सामने हूँ, और यहाँ पे भी अगर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो सब सोसाइटी लिविंग, एक दूसरे का दुख बांटना, सहना, शेयर करना। अगर मान लीजिए कि मंडी में जाकर नहीं उपज दे पा रहे तो चलो गांव में ही स्टोर कर लो, तो ये बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है, और मुझे लगता है यही भारतीय जीवन है। वो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक लिविंग में हो जाए, पर जो हमारे मूल्य है और हमारी वे ऑफ लाइफ है उसमें हमें गांव से बहुत सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं और जो हमारे धार्मिक मूल्य हैं वो ऑर्गेनिक लिविंग सिखाते हैं, जबकि पिछले कुछ आप समझिए कुछ शताब्दियों से इस प्रकार का एक इंडिविजुअल राइट्स मूवमेंट जो है उसने इसको बिखेरने का काम किया था। मुझे लगता है कोरोना से एक ये नया लेसन मिला है, एक नई सीख मिली है कि हमें वापस उसी धर्मपरायण संस्था की ओर, उसी धर्मपरायण समाज की ओर जाना पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो अलग अलग तबके हैं, जैसे आपने माइग्रेंट वर्कर्स जिनको मुझे लगता है कि इस पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा संकट है, तो इन माइग्रेंट वर्कर्स से आपने अलग अलग जगह इंटरेक्ट किया है। मैंने देखा था आपके वीडियो में भी, आप शायद पंजाब में भी आपने किया, हरियाणा में भी किया और उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो वो इससे कैसे जूझ रहे हैं, वो इससे कैसे साबका ले रहे हैं? संजय जी, माइग्रेंट वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो माइग्रेंट वर्कर्स जिनकी जो दिहाड़ी है, एक देखिए कि एक महीने से ज्यादा का समय जब व्यक्ति वहां पे शहर में गुजार लेता है, उसके पास काम नहीं होता तो ठेकेदार भी उसको दिहाड़ी नहीं दे पा रहा है, और फिर जो खाने मिलने के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कई कई जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो लीकेज आती है, और वो अपने परिवार से भी दूर है, तो गांव के बाहर आके यहाँ पे काम इसलिए आता था शहर क्योंकि उसको काम मिल पा रहा था। तो अब काम क्योंकि एक महीने से बंद था, दिहाड़ी नहीं मिल रही थी, तो बहुत इनसिक्योरिटी आ गई, और परिवार में भी एक डर था कि अकेले आप कहाँ रह पा रहे होंगे। तो इसीलिए इस इनसिक्योरिटी के कारण जो काफी मजदूर हैं वो पैदल हो गए, साइकिल पे हो गए। मैं कल अभी आज सुबह 5 बजे मुझे बपरौर से पटिया अंबाला के पास में गांव है बपरौर, वहां से कॉल आया कि सर हमने अपनी साइकिल ले ली है, अब हम निकल चुके अपने गांव के लिए गोरखपुर में, पर यहाँ पे पुलिस नहीं दे रही है, क्या करें? मैं भी विवश हो गया। तो कहने का ही मेरा तात्पर्य है कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इनको जब ये शहर अपने गांव पहुंचेंगे उनका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इनमें जितने मैं भले एक्सप्रेस पे हो गया, कहीं पे भी मैं इनसे मिलता हूं तो ये कहते हैं कि भाई हम 14 दिन क्वारंटाइन होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम हमारे परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हम तभी वापस आएंगे जब बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। हमें एक रीथिंक करने की जरूरत है संजय जी, माइग्रेशन के एक कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन की भी, और इसके अंदर भी ये जरूरत है कि जब ये लोग विलेजेस के अंदर पहुंच जाएंगे तो हमें मानना होगा कि एकदम से 15 दिन 20 दिन में नहीं आएंगे, एक महीने का मिनिमम समय लगेगा, तो तब तक इनको कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर एंगेज किया जा सकता है, मनरेगा में एंगेज किया जा सकता है, क्या पब्लिक वर्क यूज किया जा सकता है, क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, जो गवर्नमेंट जैसे अभी सरकार ने अनाउंस 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स है उसके अंदर हम लोग इंडियन कंपनीज को, इंडियन टेंडर्स को फेवर करने वाले हैं, तो इन
व्हाट्सएप के अंदर क्या मजदूर को सेंट्रल पिलर बनाया जा सकता है, और वहां पे जब अपने गांव में है उसका वहां पे ख्याल रखना जरूरी, उसको एंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोकल एम्प्लॉयमेंट में आप एक चीज समझिए, जैसे कहीं बिहार में अगर वो पहुंच जाता है तो वहां पे जो उस व्यक्ति को ऑलरेडी कामकाज मिल रहा है वो उसके साथ इसका क्या कामकाज कॉन्फ्लिक्ट होगा और अवसर कैसे क्रिएट होंगे। तो ये सब चीजें जो हमें काफी देखने की जरूरत है, और यही एक तबका है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी। एक और आपने बात की संजय जी इंडिविजुअल राइट्स की, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम इंडिविजुअल राइट्स को डाइकोटमी में नहीं देखें कलेक्टिव राइट्स से। मुझे लगता है कि अगर दोनों को हम एक सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स कैन गो इन हैंड, इट कैन नॉट ऑलवेज द लेफ्ट एंड द वेस्ट एज अ व्यू दैट इंडिविजुअल राइट्स जो है वो डाइकोटमी में होते हैं कलेक्टिव राइट्स के। मेरे को लगता है कि गलत है, और ये जो इस वक्त ये जो पूरा पैंडेमिक है इसने हमें दिखाया है कि इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स कैन गो टुगेदर विद द एरा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल ऑफ रीजनेबलनेस। This will be a new narrative forward. मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक चीज मैंने और देखी है संजय जी की, जो गांव के अंदर जो महिलाएं हैं वो काफी ownership ले रही है, क्योंकि जो पति है वो काम पे नहीं जा पा रहे तो महिलाएं खेत पे आ रही है, और महिलाएं जो है वो कह रही है कि भाई अब हम अपनी अब मजदूरी कर लेते हैं खेत के अंदर, थोड़ा पैसा मिल जाएगा इससे, क्योंकि हमारे जो मेल इन द फैमिली वो घर पे बैठे हुए हैं। तो ये जो मतलब कहने का ये मेरा तात्पर्य तीन चीजें, पहली चीज ये है कि हमें इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव राइट्स को डाइकोटमी में देखना बंद करना होगा, वी हैव टू लुक इट इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। सेकंड, मजदूरों का बहुत समय तक ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक सच में दिक्कत है, और वो उनको किस तरीके से एंगेज रखेंगे, पैसा मिलेगा, फिर वापस वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, इन सब चीजों में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुआंस पॉलिसी होगी। इस पर मैंने एक सुझाव भी दिया था जिसको यूपी ने लागू भी किया है कि जो भी हाईवेज है उस पर बस जो वर्कर्स चल रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट है बस चला सके उसका अनाउंसमेंट नहीं करे, पर जो भी वहां पे दिख रहा है उसको बैठा के अपने गांव छोड़ दे बॉर्डर टू बॉर्डर, तो उससे भी काफी फायदा होगा। तो ये क्योंकि ये पूरा क्राइसिस ही जो है वो अभी हमने इस तरीके क्राइसिस कभी नहीं देखा है, तो कुछ जगह लीकेजेस हैं, पर अच्छी बात यह है कि सब लोग मिलकर इस लीकेजेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आपने उत्साहवर्धक बात कही, और मैं एक चीज और के मजदूरों के माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में खासतौर से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें व्यवस्था के प्रति बड़ा आक्रोश है, बड़ी निराशा है, फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि ये आपदा है और सबको मिलजुल के इससे निपटना पड़ेगा। संजय जी, निराशा है और साथ में कई मान के भी चल रहे हैं कि इससे निपटना होगा, है पर आक्रोश नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस वक्त निराशा ये है कि मान लीजिए कि कई लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हमें बसें चलवा दीजिए, ट्रेन का नहीं पता चल पाया, तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई तो वही सड़कों पे निकले हैं, तो उनमें एक निराशा है। कई लोगों में विवशता भी है कि भाई ऐसी बीमारी आ गई, हमारा दिहाड़ी काम बंद हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो निराशा है, विवश है, उसके साथ में आक्रोश नहीं है, क्योंकि ये चीज उनको पता है कि ये कोई जानबूझकर उन पे थोपी नहीं गई है, ये एक तरीके का ग्लोबल अकाल है, उनको भी एक समझ है। तो आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी जा रहा था आगरा से, वहां पे मुझे मिले कई लोग जो थे वहां पे महोबा यूपी में जाने वाले थे, तो मैंने उनसे एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो, उन्होंने बोला कि भाई दिहाड़ी बंद हो गई, क्या कर सकते, जाना होगा क्योंकि बेटी और परिवार अलग है। तो मैंने बोला तो सरकार ने कुछ नहीं किया, उसने बोला नहीं भैया देखो सरकार ने जो लॉकडाउन किया वो सही किया कर रही है, पर अब कई जगह दिक्कत है, उसके कई जगह सरकार भी क्या कर सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक विवशता है, निराशा है, आक्रोश नहीं है, क्योंकि आक्रोश होता तो बहुत सड़कों पर आके लाठियां बरसाते और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग नहीं करते, तो आक्रोश किस स्टेट में नहीं गया। पर हाँ, अगर हमने इनको एंगेज नहीं किया आने वाले समय में गांव में पब्लिक वर्क में, तो मुझे लगता है कि आक्रोश में ही बदल सकता है। अब ये आक्रोश में बदलेगा या जाकर ये देश के विकास के अंदर सहभागी होंगे, ये मुझे लगता है आने वाले समय में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इनको किस तरीके से पब्लिक वर्क में एंगेज करेगी, क्योंकि प्राइवेट वर्क नहीं होगा, तो क्या हम लोग ज्यादा पब्लिक वर्क कर सकते हैं, ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, को इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें देखना होगा। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्वयं 8 प्रदेशों में तो स्वयं जा चुके हैं और उसके अतिरिक्त भी आपकी टीम जो है वो पूरे देश को कवर कर रही है, तो इनमें से कौन से प्रदेशों ने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और कौन से प्रदेश ऐसे हैं जो अभी थोड़ा और उनको करने की आवश्यकता है। देखिए संजय जी, चरणों के अंदर उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये तीन ये काफी ऊपर आते हैं। उत्तर प्रदेश ने काफी बेहतर पहले कंपैरेटिवली किया है। उसके साथ में अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि सबसे नीचे में आएंगे, सबसे नीचे बंगाल आता है,
महाराष्ट्र आता है और बिहार भी जो है उसमें भी मजदूरों के प्रति में इतना अच्छी तरीके से जितने भी मजदूर से बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट के प्रति उनका इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। बाकी अधिकतर जो स्टेट्स है उसके अंदर लोगों में अपने चीफ मिनिस्टर्स के प्रति एंगर नहीं है, भले वो कर्नाटक का हो गया, भले वो राजस्थान हो गया, अलग अलग ये जो राज्य हो गए, हरियाणा हो गया, तो इनमें एंगर नहीं है, लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। पर ये जो तीन स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, यहाँ पे पॉपुलैरिटी काफी बड़ी है चीफ मिनिस्टर्स की। और जो तीन स्टेट्स हैं, मैं ये कह रहा था संजय जी माफी चाहता हूँ, मैं एक ही जगह पता नहीं कनेक्शन कैसे नहीं है, कि उत्तर प्रदेश केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब ने सिचुएशन को डे टू डे बेसिस पे काफी अच्छी तरीके से टैकल किया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये कई तरीके से बेहतर तरीके से सिचुएशन को सही इम्प्रूव कर पाए हैं और यहाँ पे ट्रस्ट जो है चीफ मिनिस्टर्स के प्रति बढ़ा है। वहीं अगर आप उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वहीं अगर आप देखेंगे बंगाल जो है वो बहुत निचले स्तर है, वहाँ पे लोगों को भय ये नहीं पता कि कितना करोड़ है कितना नहीं है, तो लोगों के भय है। महाराष्ट्र के भी अंदर लोगों के अंदर भय है। मुंबई और दिल्ली में कंपेयर करेंगे तो दिल्ली के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं, पर दिल्ली में जो लोगों में भय नहीं, उनको लग रहा है कि ठीक है भाई कंपैरेटिवली सरकार बेहतर कर रही है, पर महाराष्ट्र के अंदर बहुत भय है, लोगों को पता नहीं कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। तो महाराष्ट्र में बहुत भय है, बंगाल में बहुत ज्यादा चिंता है, और बिहार का एक है कि भाई मजदूरों के उस पर सेंटिमेंट है कि सही सरकार और कर सकती थी, ये मैं कहना चाहता हूँ संजय जी। और आपने अर्बन क्लस्टर्स में भी विचरण किया होगा, तो अर्बन क्लस्टर्स में एक जो ये बीच में समस्या आई थी खासतौर से ये तबलीगी जमात वाली, उसको लेके क्या कुछ अर्बन क्लस्टर्स में आपस में कुछ टकराव या बिखराव के तरीके की चीज देखी क्या आपने? संजय जी देखिए टकराव बिखराव तो नहीं, पर एक बहुत अनकॉन्शियसली जो तबलीगी जमात के अंदर जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बाहर निकल के इनको कंडेम नहीं किया था, रेयरली लोगों ने बोला था कि जो है हमें आपस बाहर आके तबलीगी जमात ने जो किया उस पर जेल। हाँ मैं आपको ये पूछ रहा था कि ये जो सारा का सारा ये तबलीगी जमात वाला प्रसंग हुआ उसकी वजह से एक काफी आपस में द्वेष उत्पन्न हुआ, और आप ये कह रहे थे कि उसकी वजह ये थी कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने आपके मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने तबलीगी जमात को बजाय उसको सीख देने के और उसको डिफेंड करने की कोशिश की, इसी के बारे में कह रहे थे। जी हाँ जी जी मैं कह रहा था कि ग्राउंड पे काफी बड़ा सोसाइटी में एंगर है तबलीगी जमात में जो हुआ, और तबलीगी जमात ने जिस तरीके से कोरोना फैलाया तो, और इसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और कोई भी मुस्लिम बॉयज खुले रूप से बाहर आई नहीं, उसने बोला नहीं कि ये गलत है इलीगल इसको जेल करना चाहिए, तो अगर आप ग्राउंड पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो तबलीगी जमात को ब्लेम करता है जो कोविड के केसेस हिंदुस्तान में बढ़े हैं उसके लिए, तो एक एंगर जरूर है तबलीगी जमात के प्रति सोसाइटी में। मुझे लगता है अब तो काफी कुछ हैंडल हो गया है, या अभी भी खासतौर से बॉम्बे जैसी जगहों पे जो ये सुपर स्प्रेडर्स हैं उनकी वजह से और समाज में विद्वेष उत्पन्न हो रहा है? मेरे हिसाब से बंगाल के अंदर काफी समस्या अभी भी है, तमिलनाडु ने मैनेज कर लिया है, और मुंबई के अंदर पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे अनडिटेक्टेड केसेस हो सकते हैं। तो अब आपने आज ये भी देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री ने आकर ये एक इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस कर दिया, और लॉकडाउन को अब धीरे धीरे रिलैक्स करने की बात हो रही है, और धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए लेकिन फिर भी सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए जाएंगे, तो इसका अभी आप कोई असेसमेंट कर पाए कि जो कल की जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपने बातचीत की है क्या लोगों से? मैंने बात की है संजय जी, अभी तक लोग जो है इसके डिटेल के लिए वेट कर रहे हैं, तो एक बार जब ये डिटेल गांव तक पहुंचेगा मुझे लगता है दो चार दिन में लोगों में इस पर प्रति एक राय बनेगी, पर बिल्कुल एक चीज बेसिक लोग हैं कि ये जरूर कह रहे हैं कि जो 20 लाख करोड़ अगर खर्च करने की बात सरकार पहुंच रही है और गरीब तक पहुंचता है तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें कि फ्रांस अपने जीडीपी का 5% स्पेंड कर रहा है और हिंदुस्तान यूएस के इक्विवेलेंट स्पेंड कर रहा है 10% ऑफ द जीडीपी डिस्पाइट नॉट बीइंग एज डेवलप्ड एज यूएस, तो ये काफी बड़ी चीज है। तो सब ग्राउंड पे लोग यही कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी पहल है, पर गरीब तक पैसा पहुंचना चाहिए तब जाके इसका फायदा होगा। ये बहुत ही एक आपने आशा दिलाने वाली बात कही है प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड पे जाके लोगों से डायरेक्ट बातचीत करके और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उनसे डायरेक्ट फीडबैक ले रहे हैं, मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि जिस प्रकार की आशा का संचार आपकी जो बातें कर रहे हैं और उसी प्रकार से चलता रहा तो ये देश निश्चित रूप से न सिर्फ कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा बल्कि एक नया आयाम एक नई दिशा प्राप्त करेगा, और जिससे जिससे कहते हैं कि
जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप ने एक नई छलांग लगाई थी, उसी प्रकार शायद हमारे पास भी एक अवसर है कि इस कोरोना महामारी के बाद जो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं थी, यहाँ तक कि विश्व युद्ध में भी ट्रेनें नहीं बंद हुई थी, लेकिन इस बार तो ट्रेनें तक बंद हो गई और हमें एक छलांग लगाने का अवसर है। भंडारी जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी समय निकाल के, और इतने खराब कनेक्शन होते हुए भी आपने हमारे साथ समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया संजय, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.